अभी मीडिया करने का वजह यही हुआ, जो हमारा जान का बहुत खतरा है, इसी वजह से आप लोग को जना करके यहाँ पे मैं मीडिया करवाया है, क्या समझे? मुबशीर आलम, गुलाम जफर, ये देखिए, ये फोटो, ये हमारा छोटा भाई, बारे में बोल रहा है कि तुम आओगे बिल्डिंग में तो तुमको मतलब कि हाथ तोड़ देंगे, पांव पांव तोड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोला ठीक है, जो कराओगे क्या करोगे उसको मतलब अल्लाह देखेगा, हमको तो जो करवाने का रहेगा हम अपना लीगल वाइज से करवा रहे हैं, लीगल वाइज से करवा रहे हैं, क्या करोगे नहीं करोगे वो तो ऊपर वाला जानेगा। जहाँ तक रास्ता निकले हमारे हम लोग तो मतलब और क्या, बुढ़ापा का सहारा तो कहीं माँ बाप का है ना, माँ बाप का हिस्सा में तो सभी दोनों भाई होता है, दोनों भाई का लिया बनाने का बाद बोला कि बहन लोग को दे देंगे हम लोग 6 लाख रुपया करके दे दें, मगर किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, 1 लाख रुपया भी नहीं दिया। खाली एक तो बहन को आसाम में शादी हुआ था तो उसका हस्बैंड का पैरालाइज मार दिया था, उसको समझो कि सिर्फ जाकर के दे आया और किसी को नहीं दिया कुछ। मतलब कि क्या बोले जाएगा, ये हम लोग हंस करके दिखलाया जा रहा है कि देखो हम लोग का हंसी में रुलाई है, क्या समझे? बहुत आदमी हंसता है, बहुत आदमी रोलता है, मगर हम लोग का दिल जो है हंसी में रुलाई का निकल रहा है, क्या समझे? क्या बताया जाएगा, अपना भाई है, क्या बोलना चाहते हैं? हम चाह रहे जो हमारा इंसाफ हो, आप लोग दिलाए सब मतलब जो सही हो। 11-11 को किया ना, करने के बाद आपका मतलब कि वहाँ पर ही हमको फिर घर में हमारा 14 तारीख को किया, 12 तारीख को किया हमारा लड़का लड़की लोग को कि मतलब कि वहाँ पर जाओगे तो हम तुमको मारेंगे, नहीं तो यहाँ पर जादूपुर में आकर करके हम लोग झमेला करेंगे। तो हम डायरी उरी का जो करने का था डायरी कर दिए हैं। धमकी किसने दिया? धमकी दिया हमारा ये मुबशीर आलम, ये कौन है आपका? ये हमारा छोटा भाई हुआ। हम जो मीडिया किया ना वहाँ पे उस दिन 11-11 को, हाँ कंप्लेंट कर दिया, डायरी कर दिया उसका नाम में हर चीज। हाँ वही तो, वहाँ क्या धमकी दिया गया आपको? धमकी भाई दे रहा है कि आप आइएगा यहाँ पर है तो बहुत मार धार करेंगे भैया, मतलब ये सब करो मत, हमारा भाई मेरा लड़का को बोल रहा है। आखिर किस कितना स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी का झमेला चल रहा है? 1150 टोटल देने का बात था, ऑलरेडी 450 स्क्वायर फीट दिया है, अब बाकी का जो था बोला कि देंगे, अभी तक 7 बरस हो गया अभी तक दे ही रहा है। आपने जो आपको जो धमकी मिला है उसके लिए आपने कोई लीगल एक्शन लिया है? लीगल एक्शन बस हम डायरी दिए हैं, किए हैं और क्या करेंगे। आपके छोटे भाई का नाम बताइए? मुबशीर आलम। और कितने सालों से ये मामला चल रहा है जिसकी वजह से आपको रास्ते में उतर के बयान देना पड़ा? 7 बरस हो रहा है। और अभी प्रॉपर्टी का मालिक और मुख्तार कौन है? अभी सब वहाँ पे वो बंद कर करके बैठ कर करके है। घर का बड़ा कौन है? नाम ले लेकर बात कीजिए ना, कौन बंद करके बैठ कर? मुबशीर आलम। एक साथ बोलिए, बोलिए। घर का जो अभी पूरा ये बना कर करके बैठा है, बिल उल पर काट कर करके अपने सब ले रहा है किराया, टेनेंट लोग को बोल के रखा हाँ भाई दे रहे हैं, भैया को भी दे रहे हैं पैसा, और शाहजेब को भी बोला कि हाँ भैया को दे रहे हैं पैसा और उनका जो जगह है उनको भी दे देंगे कर रहा है, मगर अभी तक हमको 1 रुपया से भी कुछ मुलाकात नहीं करवाया। आपको जो धमकी दिया गया है, धमकी में क्या धमकी दिया गया? हमको धमकी दे रहा कि आइएगा यहाँ पर ही तो मारेंगे या कुछ पाँव पाँव तोड़ देंगे, बहुत कुछ करेंगे, अब तो आपका जादूपुर में जाकर करके हम लोग झमेला करेंगे वो करेंगे, मगर हमारा लड़का लड़की वैसा तो नहीं है, वो लोग डरता है क्या बाबा इकम कुछ छो की दौर कर, अब बोला ना रे बाबा जेटा वो चाहिए ताकि तो देखाते हो, उसको तो बताना ही होगा कि देखो हम लोग भी कुछ हैं कि नहीं है। एक 12 को दिया, एक 14 को दिया। 12 को धमकी मिलने के बाद अब क्या किया?
12 को धमकी मिलने का बाद हम 12 को हमारा लड़का लोग बोला हमारा ठीक है छाड़ ना वो मैंने हो तो एक माथाटा खराब हो गए एमनी बोल से हम देखा छोटा भाई है चलो अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा साथे जो सही लीगल वाइज का आपका हो वही करवाना आप लोग को पूरा आपको तकलीफ का क्या क्या किस बात की तकलीफ हुई जिसके वजह से आपको मीडिया साथ मीडिया का आवाज से मीडिया करना पड़ा आखिर ऐसा क्या आपको हंसती आ रही है।